कि हम लोग खेत में गेहूं का दाना डाला जा रहा है। अब इसमें गेहूं का खेती होगा। ये मेरा भाई है, पापा का लड़का है। ये कैसे बोया जाता है देखिए। इसमें गेहूं का दाना छीर दिया गया है। वो इसे उतने ने पूछो तुम किधर से आए हो। चल फोन मार दे। खेत देखिए, दाना बोया, ये गेहूँ बोया जा रहा है। तो गेहूँ का दाना छटा जा रहा है। यहाँ से जितना दाना आ रहा है तो पूरा खेत हम लोग का ही है। हाँ, बोया जा रहा है तो होगा, खेत में गेहूँ हो जाएगा। 3-4 महीना में हो जाएगा गेहूँ, पूरा गेहूँ छीट दिया जा रहा है। गेहूँ के लिए थोड़ा पानी कम लगता है। और देखिए कैसे बोया जा रहा। पूरा खेत यहाँ से वहाँ तक, तो पूरा खेत हम लोग का है। अब उधर भी खेत है, बहुत खेत है। अभी सरसों, किसी में आलू, किसी में बैंगन, ये सब बोया हुआ है। इसमें गेहूँ बोया जा रहा है। ये छोटा वोटा जो देख रहे हैं, ये भी गेहूँ ही हो रहा है। और जो थोड़ा थोड़ा बचा है वो छीट दे रहा था, उसमें भी गेहूँ हो जाएगा। ये छोटे वोटे जितने भी देख रहे हैं आप लोग, धान नहीं है पर गेहूँ है सब। और जहाँ जो गैपिंग बचा हुआ है, उस गैपिंग को पूरा हो रहा है। पूरा यहाँ से लंबा पूरा खेत हम लोग का ही है। साल भर का अनशन, पूरा खाना निकल निकल के बच भी जाता है, बेचा भी जाता है। बहुत कुछ होता है, बहुत गेहूँ निकलता है, बहुत। देख लिया हम लोग का एक खेत, इसमें इस बार गेहूँ बोया जाता है। अगले फिर जब गेहूँ कट जाएगा तो चावल बोया जाएगा, धान बोया जाएगा। और धान के लिए पानी अधिक लगता है। और हम लोग का खेत में मोर आता है, पर मोर अभी दिखाई नहीं दे रहा। हम देखने की कोशिश कर रहे हैं पर मोर नहीं दिखाई दे रहा। देखिए गाय चिल्ला रहा है, वहाँ पर भूख लग गई लग रहा है।